हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सेकेंड का चैप्टर वन। क्लास सेकेंड चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन का नाम है जंगल परेड। जंगल परेड, इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। इन वर्ड मीनिंग्स को आपको क्या करना है, अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इन्हें लिखना है और लर्न करना है। ये हैं आपके वर्ड मीनिंग। नंबर वन है FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स होता है पहला या पहले। सेकंड है LIONS, लॉयंस मीन्स होता है शेर। थर्ड नंबर EAGER, ईगर। ईगर मीन्स होता है उत्सुक। उत्सुक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है किसी चीज़ की। आपको कह दिया जाए कि आपको आइसक्रीम मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हो कि हाँ भाई कब मिलेगी, तो ये होता है उत्सुक। नेक्स्ट है ROSTER, रूस्टर्स का मीनिंग होता है मुर्गे। नंबर फाइव COCKATOOS, कॉकेटूस। कॉकेटूस एक पक्षी होता है पैरट की तरह, एक तरह के पक्षी हैं ये कॉकेटूस। नंबर सिक्स HAREES, हेयर्स क्या होते हैं, खरगोश को बोलते हैं। नंबर सेवन RHINOS, राइनोस। इसे राइनोसेरोस भी बोलते हैं, दरियाई घोड़े। दरियाई घोड़े जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में, ये राइनोस। नंबर एट HUMP, हम्प क्या होती है, कूबर। जो कैमल के एक पीठ पर एक ऊंचा सा बना हुआ होता है उसे कूबर बोलते हैं। नंबर नाइन JACKALS, जैकल्स क्या होते हैं, CR। नंबर टेन TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मीन्स होता है सूंड। किसकी होती है ट्रंक, एलिफेंट की होती है, बड़ी सी ट्रंक होती है। नंबर इलेवन GORILLA, ये होता है गोरिल्ला। गोरिल्ला एक एनिमल होता है जो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाई देता है, जो इंसान की तरह दिखाई देता है उसके। अब नेक्स्ट है DRIVE, ड्राइव करना मतलब चलाना। अब ये जो वर्ड मीनिंग हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न करना है, तभी आप आगे का चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे। अब पढ़ते हैं ये चैप्टर। मीनिंग्स आप लर्न करोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा।
तो अभी देखते हैं जंगल परेड, कि जंगल में एक परेड हो रही है, जैसे आप लोग परेड करते हो और लेफ्ट राइट करते हो, एक के पीछे एक बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, परेड करते हैं और एंजॉय करते हैं बच्चे। वैसे ही जंगल में एनिमल्स की परेड हो रही है, वो एक के पीछे एक परेड शो करने के लिए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो, लुक यर केयरफुली, देखो इसमें क्या बताया गया है। सब पहले ये बताया गया है कि एनिमल्स की परेड होती है और वो क्या करने के लिए आते हैं, परेड शो करने के लिए आते हैं, लेकिन जो मंकीज़ होते हैं वो नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो गोरिल्ला को देखने के लिए चले जाते हैं, जो कि क्या करता है, ट्रक को चला रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट केम द टाइगर्स, देन द लॉयंस एंड द बियर्स, ईगर टू सी द रूस्टर्स, द कॉकेटूज एंड हेयर्स। इसमें क्या है, फर्स्ट केम द टाइगर्स, ये सबसे पहले कौन आते हैं, टाइगर्स आते हैं, देन द लॉयंस एंड द बियर्स, और उसके बाद में लॉयंस और बियर्स आते हैं, शेर और भालू आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं, ये परेड में शामिल होने के लिए आते हैं, परेड ज्वाइन करने के लिए आते हैं। अब ये जो टाइगर्स, लॉयंस और बियर्स हैं, ये तीनों ही क्या करते हैं, ये देखो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि ईगर टू सी द रूस्टर्स, द कॉकेटूज एंड हेयर्स। ये जो टाइगर्स, लॉयंस और बियर्स हैं, ये तीनों ही क्या हैं, उत्सुक हैं किसको देखने के लिए, रूस्टर्स मतलब मुर्गों को देखने के लिए, और आपको बताया था कॉकेटूज एक पक्षी होते हैं उनको देखने के लिए, और हेयर्स मतलब खरगोशों को देखने के लिए। ये लॉयंस, टाइगर्स और बियर्स जो हैं, इनको देखने के लिए उत्सुक हैं और इसके लिए वो परेड में आते हैं। अब देखो इसको दोबारा देख लेते हैं, फर्स्ट केम द टाइगर्स, देन द लॉयंस एंड द बियर्स। पहले सबसे पहले टाइगर्स आते हैं, उसके बाद में लॉयंस और बियर्स आते हैं। ये जो तीनों ही हैं, ये ईगर टू सी द रूस्टर्स, द कॉकेटूज एंड हेयर्स। ये टाइगर्स, लॉयंस और बियर्स जो हैं, ये किसको देखने के लिए उत्सुक हैं, मुर्गों को, रूस्टर्स मतलब मुर्गों को देखने के लिए, कॉकटूस को देखने के लिए और खरगोशों को देखने के लिए, ये तीनों ही उत्सुक हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, देन केम द राइनोस, उसके बाद में कौन आते हैं, राइनोस आते हैं उनके पीछे पीछे। देन केम द राइनोस, उसके बाद कौन आते हैं, राइनोस, इनके पीछे पीछे राइनोस आते हैं, दरियाई घोड़े इन सब के पीछे पीछे। एंड द कैमल विथ हिज हम्प, और राइनोस के बाद में कौन आते हैं, कैमल, राइनोस के पीछे आते हैं कैमल, ऊँट आ जाते हैं जिनकी क्या है, एक हम्प है। द फॉक्सेज एंड द जैकाल्स, उसके बाद में कौन आते हैं, फॉक्सेज आ जाते हैं और जैकाल्स भी उनके पीछे पीछे, लोमड़ियाँ और सियार आते हैं इन सब के पीछे पीछे। आफ्टर दैट कौन आते हैं, एंड द एलिफेंट विथ हिज ट्रंक, और एलिफेंट आता है अपनी बड़ी सी सूंड के साथ में, एलिफेंट की एक बड़ी सी ट्रंक होती है, उसके साथ में एलिफेंट आता है। अब इसको आप दोबारा देख लेते हैं, देन केम द राइनोस, उसके बाद में राइनोज आते हैं, दरियाई घोड़े आते हैं, एंड द कैमल विथ हिज हम्प, और कैमल आता है अपनी हम्प के साथ में, द फॉक्सेज एंड द जैकल्स आते हैं, एंड द एलिफेंट विथ हिज ट्रंक, और एलिफेंट, हाथी आता है अपनी सूंड के साथ में। ये समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देखते हैं, दे ऑल केम फॉर द शो, ये सभी जो हैं परेड शो करने के लिए आते हैं। बट द मंकीज हैड टू गो, लेकिन जो बंदर हैं, आपको बताया था कि मंकीज़ जो हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है। अब देखो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू का यूज़ करते हैं कि ये काम करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर हैड टू का मतलब है कि लेकिन बंदरों को क्या करना पड़ा, हैड टू मतलब करना पड़ा कि उनकी मजबूरी हो गई। तो कोई मजबूरी होती है तो उसमें हैड टू, हैव टू या हैज़ टू का यूज़ किया जाता है, कि लेकिन जो मंकीज़ हैं उनको किसके लिए जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा टू सी ए बिग गोरिल्ला, एक बड़े से गोरिल्ला को देखने के लिए। ड्राइव ट्रक दैट ही कॉल्ड जॉय, अब जो गोरिल्ला है वो क्या कर रहा था, एक ट्रक चला रहा था जिसको उसने क्या नाम दिया था, उस गोरिल्ला ने उस ट्रक को नाम दिया था जॉय का। देखो दोबारा देखते हैं इसको,
दे ऑल केम फॉर द शो, ये सभी जो एनिमल्स हैं ये किसके लिए आए, परेड शो करने के लिए आए थे। बट द मंकीज हैड टू गो, लेकिन बंदरों को किसके लिए जाना पड़ा, टू सी बिग गोरिल्ला, वो बंदर जो थे वो इस परेड में नहीं आ सके क्योंकि उनको एक बिग गोरिल्ला को देखने जाना पड़ा, क्योंकि वो गोरिल्ला जो था वो क्या कर रहा था, एक ट्रक चला रहा था, उस ट्रक को उस गोरिल्ला ने जॉय नाम दिया था। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ भी इससे संबंधित बात पूछनी है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक्स।